दिल्ली के जहांगीरपुरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी की गई है। दिल्ली पुलिस ने एहतियात के तौर पर सीसीटीवी इंस्टॉल किए हैं, वहीं निगरानी के लिए चौकियां भी बनाई गई है। इलाके पर नजर रखने के लिए ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। इसी बीच जहांगीरपुरी हिंसा मामले में ईडी की एंट्री भी हो गई है। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने ईडी को एक पत्र लिखा है, जिसमें हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत एक्शन लेने का जिक्र है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जहांगीरपुरी हिंसा का मुख्य आरोपी अंसार कवाड़ का काम करके अमीर बना है। उसका जहांगीरपुरी में 5 मंजिला मकान है। वो महंगी गाड़ियों और गहनों का शौकीन है। उसके पास BMW कार भी है। पुलिस के मुताबिक उसका जन्म जहांगीरपुरी की झुग्गी बस्ती में साल 1980 में हुआ था। अंसार की पत्नी का नाम शकीना और बेटे का नाम सोहेल है। उसने 4th क्लास तक की पढ़ाई की है। उसके खिलाफ 7 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। दूसरी तरफ जहांगीरपुरी में शुक्रवार को इंडियन मुस्लिम लीग, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का प्रतिनिधि मंडल भी पीड़ितों से मिलने पहुंचा। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। इन पर बिना इजाजत के शोभा यात्रा निकालने का आरोप है। बताते चले कि हनुमान जयंती पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में निकली शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदायों के बीच झड़प हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। वही हिंसा के बाद बुधवार को निगम प्रशासन ने बुलडोजर से कार्रवाई शुरू की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है और तमाम पक्षों से जवाब मांगा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए 1 इंडिया हिंदी के साथ।